भी कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 50 के पार पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। ट्रेवल एडवाइजरी के तहत भारत ने तीन और देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। वीजा को लेकर जारी ट्रेवल एडवाइजरी के मद्देनजर 11 मार्च या इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से आने वाले उन नागरिकों के नियमित और ई वीजा पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने अभी तक भारत में एंट्री नहीं की है। इससे पहले भी भारत की ओर से एडवाइजरी जारी कर कई देशों के वीजा पर रोक लगाई गई थी। भारत की ओर से चीन, साउथ कोरिया, जापान, इटली समेत कुछ चिन्हित देशों के वीजा ऑन अराइवल पर रोक लगाई गई थी। कोरोना वायरस को लेकर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की एयरपोर्ट पर जाँच की जा रही है। भारत में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों की एयरपोर्ट पर जाँच की जा चुकी है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 52 तक पहुंच चुकी है। वहीं कई ऐसे संबंधित लोगों की भी पहचान की गई है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। फिलहाल इन मरीजों का इलाज जारी है। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।